अच्छा लिखो। हाँ पहले देखते हैं कि व्हाई डिड VBT फेल, वेयर डिड VBT फेल, वाई से बेटर वेयर। अच्छा देखो इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू VBT कैसा होना चाहिए बताओ। इट शुड बी पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। क्या क्लियर है ना? क्यों? बिकॉज कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अरे आवाज आ रहा है सबको? कुछ बोल नहीं रहे हो? आवाज आ रहा है ना सबको? हाँ सर, आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक। अच्छा अब देखो O2 जो पिक्चर है VBT का, उसके हिसाब से कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो दैट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। बट साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड रखा और इसके थ्रू लिक्विड ऑक्सीजन को गिराया लिक्विड फॉर्म में, इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। अच्छा क्या एक्सपेक्टेड था? अगर ये डायमैग्नेटिक है तो होना क्या चाहिए था? उसको पास हो जाना चाहिए था, क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाना चाहिए था ना। बट व्हाट हैपेंड वाज दैट लिक्विड ऑक्सीजन वॉज फाउंड टू गेट स्टक। और फाउंड टू क्या बोलूं, गेट स्टक बोलूं या फिर क्या बोलूं, थोड़ा समय तक वहां पर रहा, गॉट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। जबकि एक्सपेक्टेशन क्या था कि अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो अच्छा खासा ये क्या होगा, पास ऑन कर जाएगा बहुत जल्दी, बट वहां पर वो रुक गया, इट गॉट स्टक, इट गॉट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। देयर बाई एक्सपेरिमेंट क्या सजेस्ट किया, दैट O2 मॉलिक्यूल इज क्या बताओ, पैरा मैग्नेटिक एंड VBT कुड नॉट एक्सप्लेन दिस। सर, रुको रुको, देयरफॉर अ वाई डिड यू न्यू, डू थ्री लोन पेयर्स ऑन सेकेंड ऑक्सीजन? नहीं, देयरफॉर अ न्यू मॉडल ऑफ थियरी वाज प्रिस्क्राइब्ड या सजेस्टेड। और इसी को कौन सा थ्योरी बोलते हैं, MOT। VBT भी अपने हिसाब से बहुत सारा काम किया। VBT किसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है? VBT एक्सप्लेन्स बॉन्ड एंगल्स, बहुत अच्छे से बॉन्ड एंगल बताता है, बहुत अच्छा लगता है, हाइब्रिडाइजेशन भी बता देता है, बॉन्ड एंगल बता देता है, डाइपोल मोमेंट भी अच्छे खासा बता ही देता है। बट यस सर्टेन फिनोमेनन जैसे कहां पर फेल होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में फेल कर जाता है थोड़ा। बॉन्ड ऑर्डर भी बहुत हद तक कुछ कुछ बताता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फेल करता है बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इस सब में फेल कर जाता है। आर बेटर एक्सप्लेन्ड बाई MOT। सर, MOT क्या 100% करेक्ट थ्योरी है? सर, अभी तक तो उसी पर चला जा रहा MOT के कोई लिमिटेशंस नहीं है? है, उसका भी है, ऐसा नहीं है, लिमिटेशन तो उसका भी है, मतलब हाँ वैसे पूछ रहे हो तो लिमिटेशन तो उसका भी, लिमिटेशन तो उसका भी, मतलब 100% करेक्ट उसके हिसाब से पूछो। लिमिटेशन को नहीं मान रहे हो कि 100% मतलब नो लिमिटेशन, तब वो नहीं है, फ्रॉस्ट उसमें भी। मैं ये सोचा था कि मतलब अभी तक कितना करेक्ट है, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा करेक्ट है, बट फ्लॉज है।
क्लियर है सबको यहाँ तक कहानी, कहाँ से कहानी स्टार्ट हुआ? क्वांटम थ्योरी जैसा, मतलब हाँ हाँ सबसे करेक्टर पर 100% अभी भी फ्लॉज है उसमें, फ्लॉज क्वांटम मॉडल जैसा ही है। क्वांटम में क्या है वो, सो क्वांटम में चीजों किसी को मालूम थोड़े अंदर क्या हो रहा है, बस एक मैथमेटिक्स बनाया है, काम कर दिया है, मालूम थोड़ी ना है उसको, समझने क्या है उसका कुछ ही नहीं। आगे बढ़ू? यस सर, यस सर। पहले ये समझ में आया ना कि सिंपल सा स्टडी कहाँ से, उन्होंने लिक्विड ऑक्सीजन पास किया, देखा कि वहां पर वो स्टक हो गया, थोड़ा देर के लिए बैठ गया, यही सब। तो इसका मतलब उनको लगा यार ये पिक्चर गलत है। तो दिस इज विच पिक्चर, दिस इज वीबीटी पिक्चर। अब देखो एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में वीबीटी से आ रहा है कि एमओटी से आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन से पूछे, बॉन्ड एंगल से पूछे, मतलब ध्यान देना कौन सा लगाना है तुमको। वीबीटी लगाना है, बॉन्ड एंगल पूछे, हाइब्रिडाइजेशन पूछे, डाइपोल मोमेंट पूछे, तुमको वीबीटी से एक्सप्लेन करना है। कहीं कहीं बॉन्ड ऑर्डर पूछे, बॉन्ड ऑर्डर, तो समझ जाना कि एमओटी का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। कहीं कहीं तुमको बहुत, दोनों पैरेलल भी, ऐसा नहीं कि दोनों एक अलग बोलता है एक अलग बोलता है, कुछ ही केसेस आएंगे तो वीबीटी भी तुमको बहुत सारा पिक्चर देगा ही, लेकिन समझ जाना प्रैक्टिस करके ही आएगा वो चीज कि ये क्वेश्चन एमओटी से करना है और ये वीबीटी से, दैट विल कम बाय प्रैक्टिस। जनरली मेंशन कर देते हैं बट कभी कभी मेंशन नहीं करें, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनओ, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओ टू माइनस, ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, समझ जाना एमओटी लग रहा है। सर फाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशी का एक्सप्लेनेशन बेस्ट एमओटी देता है ना? हाँ एमओटी देता है, मतलब इसमें एमओटी देता है। सर तो अब तक जो पढ़ा है बॉन्ड एंगल के बारे में, मतलब बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, वो गलत है? नहीं, बॉन्ड ऑर्डर इन द सेंस मैक्सिमम जगह पर वो लोग सेम ही रहते हैं, तो इसीलिए बोला ना, ऐसा नहीं है कि पूरा 100% पूरा ही एक्सक्लूसिव सेट है कि बीबीटी अलग ही बोल रहा है, ऐसा नहीं है, एक ही दो रहते हैं, तो तुम किसी से दो। मान लो तुमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ दिया H2O2 का, देखो H2O2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ दिया तो यार बीबीटी भी वही बोलेगा और एमओटी भी वही बोलता है, one, कोई अलग नहीं बोलता है, दोनों वही बोलता है, ठीक है। हाँ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का अगर पूछ लिया जाए, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का, तब ज्यादातर किसको अप्लाई करना, एमओटी को, समझा? CLO2 के लिए आपने जो बताया था 1.75 ये सब ना, हाँ उसके लिए तुम लगा सकते हो भी, उस सब के लिए भी तुम लगा सकते हो एमओटी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन तक है, सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन तक है तुम्हारे पास, उसके ऊपर जाकर तुम्हारा ही नहीं सिलेबस में। सर क्या है? तुम्हारे ऊपर सिर्फ F2 तक है, F2 जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स 20 हों, ClO2 जैसा पिक्चर का MOT है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में। ओके सर, है ही नहीं कॉम्प्लेक्स वाले का, तो उस सब के आंसर तक आगे ClO4- बॉन्ड ऑर्डर निकालने, तो MOT तो कर ही नहीं सकते हो, तो बता ही दिया VBT से ही निकालना होगा। सर तो ClO2 का आपने बॉन्ड ऑर्डर तो दिया है, हाँ तो ClO2 का तो याद रखना पड़ेगा उसको, उसको बीबीटी से नहीं कर सकते, उसको एमओटी से ही करना पड़ेगा, क्लियर है? और एमओटी वो है नहीं तो उस रिजल्ट को फैक्चुअली याद रखना पड़ेगा। सर आपने अभी स्टार्ट किया क्या एक्सप्लेन करना? हाँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा 10 मिनट लेट ज्वाइन किया। हाँ चलो आगे बढ़ू। अच्छा इधर देखो, अच्छा एक और चीज बताओ। हाँ हाँ एमओटी देखते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन नाम का कोई चीज नहीं इसमें, कोई हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमओटी, कि हाइब्रिड हो रहा है कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, O2 और ओजोन में विच इज मोर हायर मॉलिक्यूलर वेट में, कौन ज्यादा बड़ा होगा, O2 की ओजोन? ओजोन। तो एक और चीज देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये मेरा अर्थ है तो इसका ग्रेविटी किसको होल्ड करके रखना चाहिए था, ओजोन को कि O2 को? मास किसका ज्यादा है? ओजोन का। तो इसका मतलब ज्यादा नीचे सरफेस पर ओजोन मिलना चाहिए था अर्थ के सरफेस पर, कि ऑक्सीजन ज्यादा मिलना चाहिए था? ओजोन मिलना चाहिए था, ग्रेविटी ज्यादा खींच के रखता है, यही कारण है हाइड्रोजन उतना नहीं मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैच दैट हाइड्रोजन। तो अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे लेयर्स हैं, मैं ज्योग्राफी में नहीं जा रहा हूँ ना, मुझे याद है अभी, बट कुछ होता था ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर जो भी है, तो रियलिटी में तो ऑक्सीजन ऊपर होना चाहिए था और ओजोन नीचे होना चाहिए था, लेकिन देखा क्या जाता है,
ऑपोजिट, और यही कारण है कि हम लोग जिंदा हैं। सोचो सिंपल सा कारण, नहीं तो ऑब्वियसली होना तो उल्टा चाहिए था। तो ओजोन इज इन फाउंड इन द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो इससे भी एक चीज पता चला ना, व्हाई इज O2 को कौन पकड़ के रखा हुआ है, कौन पकड़ के रखा हुआ है O2 को, अपने O2 को पकड़ के रखा हुआ है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी एक्सप्लेन करता है कि O2 और O2 को पैरामैग्नेटिक होना चाहिए कि डायमैग्नेटिक होना चाहिए। O2 को क्या होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक। और यही कारण है कि वो नीचे है, अदरवाइज उसको ऊपर होना चाहिए था, लॉजिकली स्पीकिंग, साइंटिफिकली जो नॉर्मल है। अगर ऐसा ऊपर होता तो हम लोग यहाँ रहते ही नहीं, ठीक है? यूनिवर्स का खेला, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए तो हम लोग इसीलिए जिंदा है, नहीं तो ऊपर होना चाहिए था। तो खैर, कहने का मतलब, बाद में साइंटिस्ट लोग भी ने बोला हाँ यार लॉजिक तो है, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उन्होंने बोला दिमाग तो सही है, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज पहले तो हम लोग जिंदा नहीं रहते अगर O2 हो जाता डायमैग्नेटिक। तो O2 इज पैरामैग्नेटिक, लॉजिकली भी एक्सप्लेन्ड है और साथ ही साथ तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली भी। हाँ बोलो सर, O3 पैरामैग्नेटिक नहीं हुआ था? नहीं, ओजोन इज डायमैग्नेटिक। सर तो अभी क्वेश्चन में अगर पूछा हमें पैरामैग्नेटिक या O2 तो क्या बताएंगे? रियलिटी। तुम ये नहीं बोलोगे आई हैव लर्न्ड VBT सो आई विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर, तुम तो रियलिटी बताओगे। क्या बोलोगे? पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना? IIT पूछा, कुछ भी पूछा तो तुम आंसर गलत नहीं दोगे उसको, उससे मैं कि वो लिख दोगे सर आई हैव स्टडीड VBT सो आई विल स्टडी, ये नहीं, गलत है तो हाँ जब रियलिटी पूछा, कुछ नहीं पूछा। अब ऐसा वो पूछेगा नहीं मेरे ख्याल से, फाइंड द मैग्नेटिक नेचर अकॉर्डिंग टू VBT, ऐसा कोई क्वेश्चन का मतलब नहीं बनता है। रियलिटी पूछा तो O2 इज पैरामैग्नेटिक। और ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा था? रेजोनेटिंग। हाँ रेजोनेंट स्ट्रक्चर। हाँ तो ये देख लो, इसमें अनप्रोटॉन नहीं है और ये डायमैग्नेटिक है, क्लियर है? सर MOT क्वांटम से रिलेटेड है क्या? नहीं नहीं, क्वांटम से रिलेटेड नहीं, वेव फंक्शंस है बट क्वांटम से रिलेटेड नहीं। अच्छा अब चलें MOT थ्योरी में क्या इसका बेसिकली बोला जाता है, ठीक है? चलो बहुत सारी बातें हैं, ध्यान से सुनो MOT थ्योरी क्या बोलता है, ठीक है? लिखते जाना, कहानी है पहले तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पहले तो पूरा कहानी है ये क्या बोलता है MOT। बेसिकली MOT अगर मुझसे पूछोगे तो इट इज लाइक वो सबको एनर्जी मानता है, और मैं भी तुम लोगों को बोलूंगा दुनिया में सब एनर्जी ही है। जिस दिन तुम सबको एनर्जी के टर्म्स में देखना स्टार्ट कर दो, साइंस थोड़ा लॉजिकल होना स्टार्ट होता है हाई लेवल पर, मतलब इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सब एनर्जी है। जबकि हम लोग का माइंड हर को चीज को कैसे पकड़ता है, हम लोग का माइंड हर चीज को कैसे पकड़ता है? पार्टिकल, और पार्टिकल भी एक तरीके का एनर्जी ही है, वो भी तो आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन देकर के प्रूफ किया ही बाद में, ये भी है। अच्छा, व्हेन टू और मोर एटम अप्रोचेस ईच अदर, पहला पॉइंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, लिखते जाओ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है? द सेम एनर्जी और कंपेरेबल एनर्जी ऑर्बिटल्स इंटरफियर एंड प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसमें एक अंतर है, वो अंतर समझ में आया जो पहला लाइन बोला? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग सिर्फ क्या मानते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वैलेंस में, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल क्या, ये थ्योरी क्या बोलता है कि ऑल द ऑर्बिटल्स, ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्फ्लुएंस्ड। Unlike in case of VBT, जहां पर सिर्फ कौन इन्फ्लुएंस होता है?
बैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हाँ, उसके हिसाब से एक तरीके का वेव चल रहा है, वेव चलेगा तो इंटरफेरेंस होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मान लो कुछ ऐसा बोल रहा है कि अगर ए और ए दो लोग आकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ए को अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑटोमोस वाले को इसको अनपेड चाहिए, एक बॉन्ड बना दे खुश हो गया, ऐसा नहीं है। समझो कि दोनों का एनर्जी मिला है एंड दैट एनर्जी हैज गॉट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, देखेंगे कैसे। एंड ए के जितने अंदर में ऑर्बिटल्स हैं उन पर भी इन्फ्लुएंस आएगा, कैसे आएगा देखेंगे, और दूसरे ए के जो जितने एटम्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स उन पर भी इन्फ्लुएंस आएगा। इट इज नॉट ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड, ये पहला पार्ट। बोलो कोई डाउट? हाँ बोलो। सर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स? हाँ सेम या फिर कंपेरेबल, कंपेरेबल एनर्जी मतलब ऑलमोस्ट सेम। तो सर आपने ऑल क्यों लिखा उसके बाद में? सेम एनर्जी, अरे यार अभी आगे देखेंगे ना। मान लो तुम्हारे पास लिथियम का क्या होता है बताओ, लिथियम का क्या होता है 1s और 2s, इधर भी लिथियम का क्या है 1s और 2s, तो आगे तो बढ़ने दो, पहले 1s 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s 2s के साथ कंबाइन करेगा, अब बताओ। ओके सर, आगे बढ़ने दो, स्टोरी पहले सुनते नहीं हो, पहले ही रुक जाते हो, पहले तुम स्टोरी पहले सुनो, अभी तुम पहला लाइन पढ़े हो, पहले सुनो तो आगे का स्टोरी क्या है, कहानी सुनो पहले आराम से पेशेंटली। चलो आगे बढ़ो सर, एक मिनट सर लिख रहे हैं, लिखो। सर हाँ बोलो। सर वो एनसीईआरटी में दिया था प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन करके, वो क्या? प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन दिखाना मुझे कहाँ पर है, तो भेजना मुझे प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन किसने। हाँ सर भेजता हूँ। हाँ बोलो। अच्छा आ हो जाए तो बोलना। हो गया, नोट कर गया। अच्छा अब सब पहले लिखते हो आराम से, बाद में जब करेंगे तब तो और क्लियर होगा, पहले लिखो तो पूरा, ठीक है। न्यू सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं, अब क्या बोलेंगे, सबका नाम क्या देंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इनटू दीज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। The molecular orbital theory under the influence of, मतलब कितने के influence, under the influence of attraction of all the nuclei, मतलब basically तुम्हारे में तो सिर्फ होमो न्यूक्लियर है A2 B2 सिंपल स्पीशीज, लेकिन मान लो अगर मैं ClO2 की बात करूं तो कौन कौन मिलेगा इसमें, क्लोरीन का ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का ऑर्बिटल, एक और ऑक्सीजन का ऑर्बिटल, पूरे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे और वो पूरा इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइज रहेंगे सबके अट्रैक्शन फोर्स में। समझा ये पॉइंट? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, मतलब एक नए घर बने, ऐसे समझो एक नया घर ही बन गया और उस घर में अब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन्स पूरे डीलोकलाइज रहेंगे। बोलो कोई डाउट? ठीक है चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। सेकंड वाला आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये आगे, मान लो तुम्हारा ऑर्बिटल्स पूरा बना तो समझो ना, हम लोग आगे करेंगे यार, तुम लोग मान लो दोनों मिले तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स बने,
और इनमें अब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है और दोनों न्यूक्लियाई के अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर है। जैसे कि मान लो इधर देखो, मान लो इधर देखो, इधर देखो, मान लो थोड़ा और बेटर एक्सप्रेशन चाहिए तो देखो, मान लो ईबीटी बीबीटी पे लोट बस करना, सुन लो बस, मान लो बीबीटी पिक्चर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियाई के फोर्स के अंदर में, दो ना। मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी थ्योरी ऐसा नहीं बोलता है, ये बोलता है कि जब ए बी टू मॉलिक्यूल बना होगा तो मान लो एक का एटॉमिक नंबर, एक चलो कार्बन सीओ टू मान लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, ऑक्सीजन का कितना, 8, उसका भी कितना, 8, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 16 कितना हो गया, 22, ये 22 इलेक्ट्रॉन्स तीनों न्यूक्लियाई के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, तीनों। और ये कैसे रहेगा, ये वैसे ही है, एक नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, एग्जैक्टली फीलिंग वैसा ही चलेगा जैसा कि हंड्स रूल वैसा फीलिंग होता है, एग्जैक्टली सब कुछ वैसा ही चलेगा। जबकि वीबीटी पिक्चर के हिसाब से ये दोनों न्यूट्रॉन कितने के इन्फ्लुएंस के अंदर है, सिर्फ दो न्यूक्लियाई, दो। लेकिन ऐसा एमओटी नहीं बोलता है, वो बोलता है यार ये जितने हैं, जितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हैं सबके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर है। समझा, चलो आगे बढ़ रहा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पिक्चर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, फॉलो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, दो, एंड हंड्स रूल, ठीक है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखो, अच्छा अच्छा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल अगर याद हो तो एक वेव फंक्शन था। सर एक बार थर्ड पॉइंट पढ़ के बताओ ना क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट फॉलोज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड्स रूल। सर वो स्टार्टिंग में एमओज और लाइक एओज क्या क्या, अरे एमओज मतलब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोल रहा हूँ, एओज मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। अच्छा एओ है, अच्छा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या था, एक वर्क फंक्शन वेव फंक्शन था जिसका कि स्क्वायर करने से क्या देता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस इन एन एटम, एटम लाइन इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, एक ऐसा वेव फंक्शन है जिसका कि स्क्वायर क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। बोलो और कौन सा अभी तक लिखो सर, तो इसका वेव फंक्शन साइन नहीं होता, नहीं बताऊंगा सर वेव फंक्शन क्या होता है, क्या इसका वेव फंक्शन है बताऊंगा, वेव फंक्शन कैसे लिया है इसका बताऊंगा। हो या तो बोलना बस, चिंता मत करो,
चलो हो गया आप पॉलीसेंट्रिक का मतलब है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मोर देन टू न्यूक्लियाई दैट इज पॉलीसेंट्रिक ठीक है चलो आगे बढ़ो आप हो गया ना एक मिनट सर बाकी फॉलो करेगा ना हाँ बोलो ऑफ वो प्रिंसिपल भी फॉलो करेगा हाँ हाँ सब सब सब, सब कुछ सब हो गया सर हो गया चलो आगे बढ़ो चलो कौन सा पॉइंट मुझे याद नहीं है तुम लोग पॉइंट देख लेना मुझे याद नहीं ठीक है अच्छा उसके बाद हाँ ठीक है उसके बाद देखो क्या बोलता है ये ऑर्बिटल्स व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप दे कैन डू इन इन टू वेज एक कौन सा वे है एक पर्टिकुलर वे है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसको बोलते हैं इन फेज ये कैसा होगा बताओ अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया तो कैसा दिखाते हैं इसको ऐसा दिखाते हैं मान लो ये वेव है ये एक वेव है दोनों ऐड होगा तो क्या मिलेगा दो वेव हो जाएगी हाँ वेव बड़ा हो जाएगा एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इसको बोलते हैं दे कैन इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली और इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर और आउट ऑफ फेज इसको कैसे दिखाते हैं ये ओ सॉरी ऊपर वाला मैंने गलत बना पहले डिस्ट्रक्टिव बना दिया ये क्लियर है तो बेसिकली ये बोलता है कि जब भी ऑर्बिटर्स ओवरलैप करेंगे तो ये दो तरीके से कर सकते हैं कौन कौन तरीका है एक कंस्ट्रक्टिव मैनर और एक कौन सा इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर एक आउट ऑफ फेज और एक इन फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है बताओ एम्पलीट्यूड यहां पर बढ़ जाता है वो अभी दिखाएंगे अगर यहां का एम्पलीट्यूड है तो बढ़ जाता है और यहां तो डिस्ट्रक्टिव क्लियर है डिस्ट्रक्टिव में कैंसिल आउट करेगी ना दोनों वेव एक दूसरे को हाँ कैंसिल वे देखो कैंसिल आउट कर दिया ना कैंसिल आउट ये क्लियर है लिखो नोट करो सर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो सम होता है दोनों एम्पलीट्यूड हाँ सम होता है सर इसमें जो जो कंबाइन हो रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड सेम होने पड़ेंगे या डिफरेंट भी चलेगा नहीं एनर्जी सेम होने चाहिए ना तो एनर्जी जैसे जैसे एम्पलीट्यूड ही है तो कंपेरेबल भी चलता है या सेम भी चलता है कंपेरेबल भी लिखा हो ना कंपेरेबल चलो हो जाए तो बोलना सर हाँ बोलो सर आपने पॉलीसेंट्रिक का डेफिनेशन क्या बताया था अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मोर देन टू न्यूक्लियाई डन सर हो गया चलो सर एक थिंग एमओटी श्रोडिंगर ने निकाला था क्या नहीं इसको श्रोडिंगर ने निकाला था यार इसको नाम भूल गया मलिकन था रॉबर्ट मलिकन था शायद देखना गूगल में वही होगा सर बहुत सारे लोगों ने किया था तीन चार मलिकन था शायद मेरे ख्याल से मलिकन जरूर जिसने निकाला था वो भी था ओके तो बी फंड था सर
ओके हाँ सब निकालते रहते हैं और डन चलो चलो अच्छा उसके बाद का पॉइंट है द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको हम लोग कौन सा नाम देंगे दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कौन सा नाम देंगे दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आगे जा करके बीएमओ लिखूंगा ठीक है एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंटीबॉन्डिंग मतलब दो टाइप अच्छा इधर देखो और चीज है इस कॉल्ड एबीएमओ समझ जाओगे ना एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉइंट है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इधर भी होल्ड्स ट्रू याद है क्या था ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ये यहां पर भी है अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए तो दो बनने चाहिए एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा उसको बोलेंगे बॉन्डिंग और एक डिस्ट्रक्टिव से बनेगा उसको क्या बोलेंगे एंटीबॉन्डिंग तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स होल्ड्स ट्रू हियर आल्सो दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बीइंग फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग तो यहां पर भी एग्जैक्टली सब कुछ ट्रू है ये क्लियर है दिस इज लाइक जो वहां पर हम लोग बातें बोले थे वही बात हम लोग यहां पर भी बोल रहे हैं अच्छा नेक्स्ट देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ऑफ एबीएमओ एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटीबॉन्डिंग ठीक है ठीक अच्छा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अब यहां पर लगाते हैं साइंटिस्ट अपना खतरनाक वाला मैथ्स उनको अब यहां पर ही वो लोग लगा देते हैं मैथ्स इसलिए इसको मैं हाईलाइट करके रेड में दिखा रहा हूं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब कि मान लो किसी एक का 5-1 वेव फंक्शन है किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल का एक का 5-2 है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसे बनेगा एक 5-1 प्लस 5-2 इसको कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव वाला और एक कौन सा बनेगा तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा 5-1 -5-2 और इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ध्यान देना उन्होंने क्वाड्रेटिक नहीं लिया क्यूबिक नहीं लिया ऐसा भी तो ले सकते थे 5-1 + 5-2 होल स्क्वायर 5-1 - 5-2 का होल स्क्वायर कंबाइन करेगा तो 5-1 square + 5-2 square कंबाइन करे या 5-1 square - 5-2 square कंबाइन करे या क्यूब करे कुछ नहीं जस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन तो दिस इज वेर एक्सप्लेनेशन नहीं है उन्होंने एक समझो जैसा कि एक अब यहां से चलना स्टार्ट हो गया तुक्का बोलो या जो बोलो उन्होंने ये अज्यूम किया कि जो नया वेव फंक्शन बनता है वो उन दोनों ऑर्बिटल्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से बनता है एंड दिस इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक और चीज ध्यान देना मतलब ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं साई अगर याद हो तो एटॉमिक ऑर्बिटल में साई क्या था एक स्टैंडिंग वेव था ना yes, है ना आगे तुम फिजिक्स में पढ़ोगे ट्रैवलिंग वेव्स पर जैसे अभी हम लोग दिखाते हैं इंटरफेरेंस इसको नोट मत करना सुन लेना जैसा कि तुम लोग ने इंटरफेरेंस दिखाया है अभी ट्रैवलिंग वेव पर सेम टाइप का इंटरफेरेंस साई 1 + साई 2 और साई 1 - साई 2 एक स्टैंडिंग वेव फॉलो करे दो स्टैंडिंग वेव्स अलग अलग स्टैंडिंग वेव खुद थोड़ा फिजिक्स आगे करोगे तो ये बनता है एक वेव जाता है और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर आता है
जहां पर दो अलग अलग वेव्स हैं स्टैंडिंग वेव्स, और वो भी वही कंस्ट्रक्टिव और इंटरडिस्ट्रक्टिव का फिनोमिनन कर रहे हैं जैसा कि दो ट्रैवलिंग वेव करता है। बहुत खतरनाक अजम्पशन है ये वाला, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट ली, मतलब अभी तुम इसका इंपॉर्टेंस समझ ना पाओ बट वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसी पर्टिकुलर मैथमेटिकल अप्रोच पर बेस्ड है, ठीक है। तो इन्होंने पहला पार्ट क्या बोला, दे डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी क्यूबिक एनी पता नहीं क्या सोच करके, और दूसरा दो स्टैंडिंग वेव्स का इंटरफेरेंस को भी वैसा ही माना जैसा कि दो ट्रैवलिंग वेव्स करते हैं। खैर अगर मैं इसको स्क्वायर करूं, सर नहीं समझा ये वाला, आपने बोला स्टैंडिंग वेव ट्रैवलिंग वेव, एक बार समझा दो ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आगे तुम स्टडी करोगे तो फिजिक्स में होता क्या है, जो तुम ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव करते हो ना इंटरफेरेंस वाला पार्ट, यस सर, ये ट्रैवलिंग वेव करके एक चीज होता है, ट्रैवल स्टैंडिंग वेव ट्रैवलिंग वेव नहीं आता है। फिजिक्स में करोगे तो उसके पूरा समझने की जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे करोगे ही, हल्का से मैं नोट भी नहीं करना है, बस सुन लो बस। इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ऐसे तुम दिखाते हो, क्लियर है। इन्होंने अजम्पशन माना कि साई जो है, याद अगर आ रहा हो तो एटॉमिक ऑर्बिटल का साई को कैसे ट्रीट किया गया था, श्रोडिंगर ने कैसे ट्रीट किया था इलेक्ट्रॉन को, किसकी तरह ट्रीट किया था, ट्रैवलिंग वेव की तरह किया था कि स्टैंडिंग वेव की तरह किया था, स्टैंडिंग वेव किया था ना। तो यहां पर जैसे कि दो ट्रैवलिंग वेव्स आपको इंटरफेरेंस देते हैं और जैसे वो डिस्ट्रक्टिव देते हैं, वो मान के चल रहा है कि दो स्टैंडिंग वेव्स वैसे ही दे रहे हैं, दो स्टैंडिंग वेव्स वैसे ही दे रहे हैं, जो कि एक मतलब एक फिजिक्स में आगे पढ़ोगे ये सब चीज, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन उसने नहीं दिया, और प्लस उसने वही दिया दोनों का ऐड कर दो, नया वेव फंक्शन बनाना है तो ऐड कर दो। तो बोल सकते थे ऐड ही क्यों करने बोल रहे हो यार, करना तो कुछ भी कर सकते हैं, साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर करो, तुम डिवाइड करो, डिवाइडेशन तो नहीं होगा, चलो ठीक है कुछ मल्टीप्लीकेशन कुछ भी करो, बट उन्होंने एडिशन किया सिंपल। तो खैर ये तो कहानी हो गया, आपको अगर नहीं भी कुछ चमका है तो जरूरत नहीं है, बिकॉज आप फिजिक्स में आगे करोगे। मेरा पॉइंट ये है ना, हाँ मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा बताओ, साई वन स्क्वायर प्लस टू साई वन साई टू। तो अच्छा ये क्या देता था बताओ, अब आगे मैं इसको लिखाऊंगा, ये नोट करना है ना, हाँ ये नोट करना, हाँ ये नोट करना, जो मैं हटा दिया उसको नोट नहीं करना था, वो जो अगर उसको, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का होल स्क्वायर क्या देगा, -2 साई 1 साई 2। अच्छा तो एक चीज बताओ, थोड़ा मैथमेटिकली समझना ठीक है ना, मतलब फिजिकल रियलिटी तो ऑब्वियस बात है टफ है यार, मैथमेटिक्स में तो कुछ कुछ बता भी सकता हूँ अगर समझ लो एब्स्ट्रैक्ट है, फिजिकल रियलिटी तो टफ रहता ही है, लेकिन फिर भी बोलने का मतलब ये है कि साई स्क्वायर ऑफ अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या देता है, मैंने जस्ट बताया था ना, देखो लिखा था जस्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से दो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से, मान लो एक ऑर्बिटल वहां से आया एक ऑर्बिटल इधर से आया, तो उसका जो साई स्क्वायर है उसका वैल्यू दोनों इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो प्रोबेबिलिटी था डेंसिटी उसमें कुछ प्लस समथिंग ऐड हो गया है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया है उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई कि घट गई, बढ़ गई। और एंटी बॉन्डिंग वाले में क्या हुआ है बताओ, साई वन स्क्वायर प्लस साई टू स्क्वायर माइनस आ गया है, तो क्या हो गया है थोड़ा डिक्रीज कर गया है। तो अब आगे लिखाऊंगा उसको और क्लियर होगा, पहले इतना लिखो, पहले अब नेक्स्ट पॉइंट लिखाऊंगा ना, ये इस मैथमेटिकल चीज को एक्सप्लेन करेगा। सर तो ये पूरा मतलब ये पूरा तुक्का लगा है। हाँ ये पार्ट तो तुक्का है, मतलब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये तो तुक्का है, जैसे कि श्रोडिंगर का स्टैंडिंग वेव तुक्का है, उसको क्या मालूम, अब मैच कर गया उसके तुक्का लगा, उसको क्या उसने क्या मालूम कि वो स्टैंडिंग वेव है कि नहीं, बट उसने मारा लग गया काम कर गया, तो उसने ही बोला जब इंटरफेरेंस होता है तो इसका भी इंटरफेरेंस कर देते हैं यार, उसके हिसाब से जो इतना मॉलिक्यूल बोल रहा है वो बोल रहा है कि पार्टिकल मत सोचो, बॉन्डिंग मत सोचो, सोचो जो एनर्जी आ रहे हैं, बस मिलने के लिए दो एनर्जी आ रहे हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर तो हम ये क्यों नहीं सोच, स्टैंडिंग वेव नहीं है और ये ट्रैवलिंग मूविंग वेव है,
वेव दैट इज मूविंग इन द सेम बिकॉज़ नहीं ये इसलिए भी नहीं सोचते हैं बिकॉज़ बना तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल से एटॉमिक ऑर्बिटल को तो हम लोग स्टैंडिंग वेव मान के पहले से कर चुके हैं ना वहां तक तो थ्योरी डेवलप हो चुका है ना वहां तक तो थ्योरी डेवलप हो चुका है ना तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ा साइंटिस्ट लोग सोचा कि इसी को आगे बढ़ाते हैं ना वहां तक तो हो गया हाँ भी तुम बोल सकते हो वहां भी श्रोडिंगर ने स्टैंडिंग वेव बोल दिया उसे कोई पूछेगा क्यों तो क्या बोला कुछ नहीं सर और एक कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स में भी डाउट है जैसे टू ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो कंबाइन कर रहे हैं एंड दे विल फॉर्म टू सिमिलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स राइट Not too similar. एक bonding एक anti bonding. Similar क्यों बोल रहे हो? Similar in what? Similar किस respect में बोलना चाह रहे हो? Similar as in same BMO form करेंगे या same ABMO form करेंगे? नहीं देखो same अभी भी नहीं समझा. मान लो मेरे पास दो orbitals 1s और 1s combine किए. तो दो बनाएंगे. एक anti bonding बनाएगा. Stars represent करते हैं और एक bonding बनाएगा. अब similar किसके बीच में बोल रहे हो? Similar. नहीं सर मैं सोचा दो BMO और दो ABMO नहीं 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 दो BMO नहीं बन रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैंने क्या लिखा किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ना सर तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर दो मिल रहे हैं तो दो बनेंगे एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग ओके सर समझा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑर्बिटल्स है अगर तीन ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तुम्हारे सिलेबस में तीन तक आएगा नहीं तुम लोग को तंग नहीं करेगा क्योंकि उतना है ही नहीं लेकिन अगर तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो कितने बनेंगे तीन बनेंगे लेकिन वो तुमको तंग नहीं करेगा तुमको दो तक तंग करेगा आगे बढ़ूं सर एक डाउट है हाँ बोलो सर ये जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वजह से होता है तो साई वन और साई टू का ये जो साइन है वो ऑपोजिट होगा तो प्लस टू साई वन साई टू हो जाएगा ना साई वन और साई टू का क्या बोलो सर साइन ऑपोजिट होगा ना मैंने तो कर ही दिया ना साई वन माइनस साई टू कर दिया ना साई वन माइनस साई टू तो कर ही दिया नहीं सर बट आपने जो नीचे किया है ना वो होल स्क्वायर किया वहां पे आपने बोला था कि वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ज्यादा होगा बट वो तो वहां पे एंटी बॉन्डिंग में भी सर वो प्लस टू साई वन साई टू हो जाएगा क्योंकि साई वन और साई टू का साइन ऑपोजिट होगा क्यों साइन ऑपोजिट क्यों होगा इधर देखो सर पॉजिटिव जहाँ पे होगा साई वन वहां पे साई टू नेगेटिव होना चाहिए ना तो उसका अच्छा अच्छा रुको उसका स्क्वायर तो दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ जाएगा ना सर नहीं वो लास्ट वाला टर्म है वो माइनस टू लिखा है ना वो प्लस टू हो जाएगा ना 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 प्लस टू नहीं समझा तुम्हारा डाउट अभी भी प्लस सर वो बोल रहा है कि साइड टू की जगह माइनस साइड टू रखो साई वन की जगह माइनस साइड टू अच्छा एक एक साई वन है वो बोल रहा है साइड टू जो है मैं साइन चेंज और एक करके बोलो हैं बोलो बोलो सर साई वन की जगह माइनस साई वन डाल दो बस बट ये क्यों डालने बोल रहा है इसका क्या वो क्यों ऐसा लग रहा है उससे फिर वो माइनस टू साई वन साई टू हो जाएगा नहीं सर मैं बोल रहा हूँ कि एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब एंटी बॉन्डिंग तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जहाँ पे एक वेव जो होगा साई वन वो पॉजिटिव होगा वहां पे दूसरा वेव नेगेटिव होगा वो माइनस हो जाएगा तुम इसकी बात कर रहे हो हाँ सर कि प्लस अरे देखो यार सबसे पहले तो एक ये कौन सा वेव है बताओ ये अभी कौन सा वेव है स्टैंडिंग वेव और तुमने अभी किस पे लगा दिया लॉजिक अपना ट्रैवलिंग वेव दूसरा साई का फंक्शन वैसे वाला है यार जैसे कि अभी देखो बताऊंगा जैसे देखो एक बता रहा हूं जैसे कि ऐसा ये बोलना चाह रहा है ये बोलना चाहिए जैसे पी ऑर्बिटल्स है तो मान लो इसका ऐसा आ जाए जैसे मैं थोड़ा आइडिया दिया था ये बोलना चाह रहा है नाउ दिस इज कंस्ट्रक्टिव और इसी में प्लस माइनस को अगर मैं ऐसे कर दूं दिस इज डिस्ट्रक्टिव प्लस अगर अंदर माइनस ले जाओगे तो क्या बन जाएगा प्लस को अंदर ले जाओगे तो या तो इसको प्लस और माइनस कर दो या फिर इसको
सीधा माइनस ही कर दो या तो फिर ऐसे बोल दो, माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, ये बोलना चाह रहा है, इस साइंस की बात कर रहा है। तुम किस साइन पे चले गए, तो तुम उसको ऐसे क्यों देख रहे, इस वेव फंक्शंस की बात कर रहा है, इन दोनों के ऑब्जेक्शंस की बात कर रहा है, ऐसे जो आते हैं, ठीक है, इसमें जाएंगे अभी। अच्छा इधर देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो इधर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सीआई मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटर न्यूक्लियर रीजन, अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या करेगा, जब भी कोई ऑर्बिटल्स बनेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रीजन में इंक्रीज हो जाएगा, वो जो दो न्यूक्लियाई हैं उनके बीच में अचानक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, एंड हेंस स्टेबलाइजेस द केमिकल सिस्टम। सर सीआई क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, whereas destructive interference decreases electron density, in the internuclear region, internuclear समझते हो ना, दो न्यूक्लियाई के बीच में, as a result the two nuclei are, kya bolu, two nuclei are faced, do nuclei ek dusre ke aamne samne aa jate hain, to kya bolu, two nuclei are faced, english pe thoda maaf karna, word nahi aa raha hai, theek hai, two nuclei faced to each other and इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फाउंड ऑन ईदर साइड ऑफ द न्यूक्लियाई, अच्छा दो न्यूक्लियाई आमने सामने आ जाएंगे तो स्टेबल होगा ऑर्बिटल की अनस्टेबल होगा, अच्छा इधर देखो कि बोलना ये चाह रहा हूं सर, एक मिनट, हाँ हाँ लिखो, द टू न्यूक्लियाई in antibonding molecular orbital face repulsion and energy is increased, likho to explain karta hu main kya bolna chahta hu, हो गया तो बोलना सर, दो मिनट, हाँ ठीक,
हो गया? हाँ सर। नो सर, सबका हो गया ना? यस सर। अच्छा देखो, ये बोलना ये चाह रहा हूं मैं, जैसे एग्जांपल हो, मान लो मेरे पास 1s और 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शंस कंबाइन किया, ठीक है? तो अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, अगर ये कंस्ट्रक्टिव हुआ तो ये बोलता ये है कि एक्चुअली में दो न्यूक्लियाई आ जाएंगे, दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, और अचानक से जो अगर ये कंस्ट्रक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मान लो आगे देखेंगे कंस्ट्रक्टिव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं साइंस से, बट अगर ये कंस्ट्रक्टिव हुआ तो अचानक से दो न्यूक्लियाई आ जाएंगे, ये दो न्यूक्लियाई हैं, और इनके बीच में ऐसे समझो, इधर इस डायग्राम पे ध्यान देना, इधर पहले एक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, वन पर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, टू पर भी क्या था, इर्द गिर्द। तो अब जब जैसी दोनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो अचानक से इसको दिखाने का तरीका ऐसा रहता है। तो एक चीज नोट कर रहा हूं, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन, इसको न्यूक्लियस माना ब्लैक वाले को, मैंने दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली इस साइड कम कर दिया है, देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड कम कर दिया ना, न्यूक्लियस के साइड वाले कम कर दिया ना, और दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ जाएगा? बिटवीन द न्यूक्लियस। हाँ, बिटवीन द न्यूक्लियस, ये बोलना चाह रहा हूं, इन बिटवीन द टू न्यूक्लियस बेसिकली। अब तुम बोलोगे सर तो उसमें बॉन्डिंग ज्यादा ये स्टेबल सिस्टम है कि ज्यादा अनस्टेबल है? देखो यार, न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई तो रिपल्शन फेस करेंगे, लेकिन वो दोनों, समझो दोनों न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन के लालच में दोनों, इसी को तो बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड मतलब क्या, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी के पीछे पड़े हुए हैं, और ये दोनों थोड़ा सा, दिस इज अ स्टेबल सिस्टम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर यहीं पर मैं दोनों का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाऊं, इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, मान लो दोनों आए और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर की, तो होगा क्या, इतने रीजन में देखना जो दिखा रहा हूं, थोड़ा सा इस रीजन में अचानक से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसको बहुत मैथमेटिकली करते हैं, जो आगे आप लोग जस्ट करोगे, मैंने हल्का सा आइडिया दिया था, अगर सेम साइज बने प्लस प्लस, तो इसको मतलब लोग क्या करते हैं, यहां पर ऐसे दिखा देते हैं, प्लस और प्लस बढ़ गया, और न्यूक्लियस के दोनों साइड, दोनों ऑन दी इधर साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। देखो ऑर्बिटल का शेप मैंने कैसे बनाया, इस साइड कम कर दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और हम लोग माइनस कैसे दिखाते हैं डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव ऐसे दिखा सकते हो, ज्यादा बेटर है, यहां प्लस कर दो, ठीक है, और यहां माइनस कर दो, तो प्लस और माइनस गिरेगा तो क्या होगा इस रीजन में बताओ, प्लस और माइनस अगर फॉल करेगा तो प्लस माइनस जैसे मैथमेटिक्स करते थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के रीजन के बीच में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, जीरो हो जाएगा, हाँ मतलब कैंसिल आउट, हाँ कैंसिल आउट, मैं अभी के लिए जा रहा हूं, चलो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसका ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो बढ़ गया, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इधर इधर साइड ऑफ द न्यूक्लियस, अब ये दिस साइड समझ लेना कौन सा बोल रहा हूं, और इन दोनों के बीच में कम हो गया, देखो उस साइड मैंने पतला किया है, इस साइड बढ़ा दिया। अच्छा इससे हुआ क्या, इस पूरे चीज से हुआ क्या, दोनों जो न्यूक्लियाई हैं आमने सामने आ गए, और अगर ये दोनों आमने सामने आएंगे तो ये जो पर्टिकुलर बॉन्डिंग सिचुएशन बनेगा, ये एंटी बॉन्डिंग सिचुएशन, ये ज्यादा स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। बेसिकली इट इज जस्ट लाइक मैथमेटिकल, समझो दो न्यूक्लियाई आए तो उन दोनों में जब कॉम्बिनेशन हुआ तो इस रीजन के अंदर प्लस माइनस फॉल हुआ, इलेक्ट्रॉन कुछ खत्म हुआ, प्लस प्लस आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, सो दिस इज एंटी बॉन्डिंग का केस, एंड द टू न्यूक्लियाई रिपेल ईच अदर, नहीं रहना चाहेगा, मतलब दिस कंडीशन इज नॉट दैट गुड। अच्छा अगर इसको मैं शॉर्ट वेव फंक्शन के प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल से देखूं, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल से, तो एक्चुअली में
थोड़ा इसको मॉडिफाई कर. अच्छा पहले तो एक पॉइंट लिखा था, विच इज मोर स्टेबल देन, विच इज मोर स्टेबल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल और एंटी बॉन्डिंग? बीएमओ. बीएमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल. सर पहले तो ये, हाँ लिखो, इसकी एनर्जी कम. हाँ बोलो सर. ये अभी भी नहीं समझा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर मतलब रिपेल क्यों हो जाएंगे या दूर क्यों चले जाएंगे? इसी को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस बोलते हैं ना. डिस्ट्रक्टिव का तो मतलब ही यही होता है कि वहां पर उस समय पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेव है ना, एक एनर्जी है. वो एनर्जी अगर डिस्ट्रक्टिव मैनर में काम किए तो वहां का एनर्जी खत्म हो जाएगा ना. यही तो उसका मतलब है ना. ऐसे समझो ना, कंस्ट्रक्टिव वहीं पर अगर तुम दो लाइट फेंके कंस्ट्रक्टिव मैनर में, तुम देखोगे लाइट बढ़ गया कंस्ट्रक्टिव. और हो सकता है कि अगर दो लाइट ही फेंक रहे हो, ऐसा हो सकता है कि दो लाइट फेंक रहे हो, तुमको नहीं मालूम कौन से मैदर में, अगर डिस्ट्रक्टिव वे में किए ना तो तुमको वहां पर फ्रिंजेस मिल जाएंगे, डार्क डार्क फ्रिंजेस, जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है. तो वही बोलना चाह रहा हूं कि जो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो वेव है. वेव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बोल दो या एनर्जी बोल दो. एनर्जी अगर गलत तरीके से मिला तो उन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है. दोनों समझो, न्यूक्लियाई दोनों आ रहे हैं बॉन्ड बनाने, दोनों बॉन्ड बनाने आ रहे हैं और उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव हो गया. इसको डीआई लिख दे रहा हूं, डीआई मतलब डिस्ट्रक्टिव. तो उनके बीच में एनर्जी जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना. और एनर्जी इधर कम होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कभी तो बढ़ेगा, कहां बढ़ेगा फिर? अगर बीच में कम हुआ तो कहां बढ़ जाएगा, दूसरे साइड. और अगर एनर्जी यहां कॉन्सेंट्रेट ज्यादा हुआ दो न्यूक्लियाई के बीच में तो कहां कम हो जाएगा, दूसरे साइड. बॉन्डिंग वाले में बीच में होता है कॉन्सेंट्रेट और दूसरे साइड कम हो जाता है. बोलो सेकंड वाला वापस समझाओगे? सेकंड वाला मैं ये बोलना चाह रहा हूं, एनर्जी के हिसाब से इसको इमेजिन करो कि दो एनर्जी या दो वेव आ रहे हैं. अगर दो वेव एक डिस्ट्रक्टिव मैनर में अगर एक दूसरे को कट किया, मतलब सॉरी इंटरफेयर किया, तो जहां जहां वो डिस्ट्रक्टिव मैनर में इंटरफेयर करेगा वहां पर एनर्जी कम हो जाएगा. इनफैक्ट अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं जानते होगे सर, फिजिक्स में करोगे भी इंटरफेरेंस पैटर्न, हल्का सा भी अगर आइडिया होगा अथवा देखोगे तो जब फेंकते हैं ना लाइट को दो स्लिट से पास करते हैं तो फ्रिंजेस दिखते हैं. और यहां से वेव ऐसे ऐसे चलता है, जाना मत इसमें क्या है, इंटरफियर करते हैं और तुमको यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे दिखता है. इस पॉइंट पर अगर ब्राइट दिख रहा है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जरूर वहां का वेव क्या हुआ होगा, कंस्ट्रक्टिव मैनर में इंटरफियर किया होगा. और अगर कहीं डार्क दिख रहा है मतलब रोशनी था लेकिन डार्क क्यों आ गया भाई, अगर दो वेव जा रहे हैं रोशनी फेंक रहे हो, रोशनी फेंक रहे हो तो रोशनी दिखना चाहिए ना, दिख क्या रहा है तुमको, अंधेरा, अंधेरा भी और ये, तो इसका मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. तो ऐसे समझो, अगर देखना कोशिश कर रहा हूं, ये है प्लस और ये न्यूक्लियाई है माइनस, प्लस ऑपोजिट साइंस मिलते हैं तो डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं. जैसे ये दोनों गिरेंगे तो इमेजिन करना इस रीजन में, जैसा कि मैथमेटिकल लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग अज्यूम किए हुए हैं, प्लस और माइनस का मान लो, जस्ट मैथमेटिकली लो, प्लस और माइनस थोड़ा कैंसिल आउट करेगा कि नहीं, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, ये कौन सा इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव. तो एनर्जी इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में क्या हो जाएगा, कम. और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड का लोब, मतलब ये जो लोब है ना, ये लोब, ये जो डिस्टेंस दिखा रहा हूं एरो से, ये थोड़ा कम हो जाएगा और दूसरे साइड बढ़ जाएगा, बिकॉज अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को तो रहना ही है, एक साइड बढ़ेगा दूसरे साइड घटेगा, वो तो हो नहीं सकता, वो थोड़ा ऐसे बन जाएगा. तो दोनों न्यूक्लियाई आ जाएंगे आसपास, बिकॉज इस रीजन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है. और यहीं पर दोनों प्लस प्लस होते, यहीं पर दोनों प्लस प्लस होते और तब मिलता प्लस प्लस, तो वहीं पर एक बड़ा सा प्लस बनता और इस साइड थोड़ा कम हो जाता. समझा, ये बोलना चाह रहा हूं, ये समझा? यस सर. समझा, नोट करो. हाँ सर, वो बीएमओ में लेस एनर्जी वाला पार्ट बताओगे? बीएमओ में जब मोस्ट स्टेबल है ना,
नहीं एन लेस एनर्जी इन्वॉल्व, हाँ ज्यादा बेटर टर्म नहीं हुआ, लेस एनर्जी हटाओ, स्टेबिलिटी ज्यादा बेटर है, स्टेबिलिटी वाला, स्टेबिलिटी ठीक है ना, बॉन्डिंग वॉल प्रॉपर्टी इज मोर स्टेबल। अच्छा चैट में कुछ देता है, हाँ हाँ नोडल पेन है, यस पर नोडल पेन। अच्छा हाँ बोलो सर, व्हाट इज द डॉटेड लाइन बिटवीन द टू, वन इज सिग्निफाई द डॉटेड सर्कल, ये नहीं, ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये दिखाने के लिए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि व्हेन दे इंटरफियर इन डिस्ट्रक्टिव मैनर द वेव फंक्शंस इन दिस रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई दे गेट कैंसिल आउट एंड वेव फंक्शंस आर नथिंग बट इमेजिन देम एज एनर्जी, तो एनर्जी इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर कैंसिल्स इट आउट, ईच आउट, तो उस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अचानक से कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा अगर इसको मैं कोवेलेंट बॉन्डिंग को और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग को अगर मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करने का कोशिश करूं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बस इतना बोलता है, ऐसे समझो कोवेलेंट बॉन्डिंग बस इतना बोलता है कि यार इलेक्ट्रॉन मिले और यहां पर दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में आ गए, दोनों जो हम लोग किए थे ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए, दिस इज विच बॉन्डिंग, मतलब बेसिकली लोकलाइज, यही अंतर है, लोकलाइज बॉन्डिंग पे जाता है लोकलाइज, इसीलिए तुम लोगों को शटलिंग, तुम लोगों को शटलिंग कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, अरे सर इधर भी है इधर भी है, ओजोन को इधर भी दिखाते हैं इधर भी दिखाते हैं, बिकॉज रियलिटी में लोकलाइज्ड कॉन्सेप्ट तो एक्चुअली में नहीं ही है, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट ही है। अब ये थोड़े ना हो सकता है, तुम खुद सोचो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन इतने स्पीड से घूम रहे हैं और जब वो दोनों बॉन्ड बना लें तो रुक जाएं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि बॉन्ड बना लेंगे तो रुक जाएंगे, बैठे रहेंगे आराम से, हाँ भाई तू मिल गया तेरा ही सहारा चाहिए था, तू नहीं था तो घूम रहे थे, तू मिल गया तो बैठ गए, वो भी पूरा स्टैटिक, गलत कॉन्सेप्ट है ना, ऑब्वियस बात है ऐसा तो नहीं होगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बस इतना बोलता है, अगर तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पूछोगे कि आप बताइए आपके लिए बॉन्डिंग क्या है, तो बोलता है मेरे लिए बॉन्डिंग ये है कि H2 बना होगा तो एक्चुअली दो न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, दो ऑर्बिट, दो घर बनेंगे, समझो दो घर बने, एक घर बना है न्यूक्लियाई के दोनों इधर साइड, एक घर बना है न्यूक्लियाई के बीच में, मतलब एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, क्रूड पिक्चर है बट जितना कोशिश कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। और ये दो इलेक्ट्रॉन्स का मैक्सिमम, पहले कौन सा स्टेट ऑक्यूपाई करेंगे, बॉन्डिंग वाला कि एंटी बॉन्डिंग वाले, बॉन्डिंग वाले, ठीक है, और बॉन्डिंग में आगे पढ़ोगे कि मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बस इतना बोलता है कि अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी आप सही बोल रहे हो वैलेंस बॉन्ड, आपको गलत नहीं बोल रहे हो, बट इस लोकलाइज्ड कॉन्सेप्ट को हटा दो, सेम आप बस इतना बोलो कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी अब इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में ज्यादा है, लेकिन ये बोलना कि ये लोग कभी इस साइड नहीं गए होंगे, इलेक्ट्रॉन के इस साइड नहीं गए होंगे, ये सरासर गलत है। तो बेसिकली तुम लोकलाइज्ड बोलते हो, मैं प्रोबेबिलिस्टिक बोलता हूं, सब कुछ इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो मैंने दो घर बना दिए, तुमको उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगा। और अगर एंटी, तो कभी कभी हो सकता है, तो कैसा इसका मोशन, कोई बोलेगा सर कैसा मोशन है, तो कुछ भी हो सकता है, कभी मालूम ऐसे येलो से दिखा रहा हूं ऐसे घूम सकता है, ऐसे रहेगा, फिर इसी रीजन में ज्यादा रहेगा, फिर कभी इधर चला जाएगा, फिर इधर ही रीजन पर रहेगा, फिर कभी इधर भी चला गया, लेकिन ज्यादातर वो इसी रीजन में रहा। ये थोड़ा समझ में आया क्या बोलना चाहा सर? Sir, so can we say that VBT and molecular orbital theory explain covalent bonding in their own way? Yes, yes. VBT is थोड़ा सा उसको modify करके MOT बोलता है, और वो ज्यादा better picture है, वो basically ज्यादा modify करके बोलता है, वो बोलता है मैंने ये मत बोलो तो आपका bonding सही है, मतलब obvious बात है कहीं के तो limitations आपके भी हैं, but yes, जो आपने बोला exactly वही, थोड़ा सा अपना बॉन्डिंग को अपना वे में कर रहा है, बस उसको बोलता है डोंट, आई एम एक्चुअली वेरी टेंस्ड विद दिस वर्ड लोकलाइज्ड, बस डोंट लोकलाइज दीज थिंग्स, जस्ट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल लगाओ और फिर मेरे बात मानो, ये एक्चुअल में बोलना चाह रहा है। आगे बढ़ूं, बताओ कोई डाउट? सर
यस सर एक सेकंड लिखना है सर आप उसका इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखाओगे आगे तो लिख देता हूँ स्पेस पे इसको इतना कोर को लिख लेता हूँ बस लिख लेता हूँ सर आपने जो येलो कलर का डायग्राम बनाया वो समझाओगे क्या है वो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मुझे मालूम तो नहीं है इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बैठे तो नहीं है सिंपल सा बात है बैठे तो नहीं होंगे मालूम किसी को है नहीं कर क्या रहे हैं इसलिए तो मैथमेटिक्स कर रहा है तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसा समझो कि दो ऑर्बिटल्स बने दो दो और वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका मैं पाथ दिखा रहा हूं कुछ भी रैंडम पाथ कर सकते हैं इधर जा सकते हैं ऊपर नीचे सब जा सकते हैं लेकिन वो ज्यादा समय कब बिताएंगे कहां बिता रहे हैं ज्यादा समय इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में बिता रहे हैं लेकिन हाँ जहां बीएमओ लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो कहीं बाहर भी जा सकते हैं बस यही अंतर है दोनों में सर बाहर थोड़ा सा ज्यादा डेंस होएगा ना क्योंकि वहां पे तो एबीएमओ है वो कम डेंस होगा पर बाहर भी डेंसिटी रहेगा ना रहेगा लेकिन हम लोग चूंकि उसकी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है तो हम लोग उसको ऐसे दिखा देते हैं हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई आराम से ऐसे बनाओ लेकिन ये मत बोलो कि पूरा का पूरा लोकलाइज्ड है प्रोबेबिलिस्टिक ऐड कर दो तो थोड़ा सा पिक्चर बेटर है सर तो पर एमओटी का भी एक मेजर ड्रॉबैक है ना हाँ देखो ड्रॉबैक तो एमओटी का क्यों बोले ड्रॉबैक तो बेसिकली एमओटी का तुम तो इसको ड्रॉबैक तो बोल सकते हो बट मेरा मानना तो, मैं तो ये बोलूंगा कि इंसान का ड्रॉबैक समझो मतलब क्या बोलूं ये तो हम लोग अलाउड ही नहीं है ना देखने को क्या कर रहा है उस दुनिया में तो हम लोग तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ही देंगे ना यार ये तो ये जो यूनिवर्स ये वैलिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं सबके लिए नॉर्मली प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दुनिया ही ये पर्टिकुलर क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ही है वेव फंक्शंस ही प्रोबेबिलिटी हैं तुम वेव फंक्शंस को कर रहे हो सब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है उस दुनिया में कोई सर्टेनिटी नाम की चीज है ही नहीं तो ड्रॉबैक तो ऐसे बोल ही सकते हो ड्रॉबैक इसका क्या बोलोगे ड्रॉबैक इंसान का मतलब हम लोग यूनिवर्स से ऊपर थोड़े ना है नेचर से ऊपर थोड़े ना है नहीं कर सकते उस लेवल पर अभी तक नहीं या फिर आगे देखो हम लोग अभी तक जितना भी साइंस एडवांस किया है दो चीजों तक तो आकर रुके हुए हैं पार्टिकल एंड वेव आगे तो बढ़ ही नहीं पाए पार्टिकल को अलग देखते हैं तो ठीक लगता है वेव को अलग देखते हैं तो ठीक लगता है ड्यूअल नेचर आता है कि हालत खराब हो जाता है एकदम हालत खराब कर दिया है आगे नहीं बढ़ पाए मतलब बस कर दे रहे हैं मैथमेटिक्स बट देख तो नहीं पा रहे हैं तो ड्रॉबैक तो बोल ही सकते हो और क्या बोले ड्रॉबैक तो बोल ही सकते हो उसको क्या करेगा बेचारा इंसान ही कुछ नहीं कर सकता तो आगे बढ़ूं ठीक है अच्छा सर हाँ बोलो सर पिछले पेज पे वो आपने डायग्राम बनाया था ना नीचे हाँ वो एच और एच के ऊपर वो ये है ना कौन सा डायग्राम ये एबीएम बोला सर इंटरफेरेंस हाँ इंटरफेरेंस हाँ वो नहीं हाँ सर वो समझा सकते हैं आप एक बार वो तुम आगे इस फिजिक्स में करोगे उसको नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो मैं आज तुम लोग को एक भेजता हूँ एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला भेजता हूँ ग्रुप में देखना उसको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अपना भेजूंगा मैं या फिर तुम लोग सब यूट्यूब पे ये सर्च मारो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपने आप बिकॉज फिजिक्स में तुम डिटेल में करोगे तुमको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि दो लाइट गया है स्लिट से वो लोग इंटरफेयर हुए हैं और कहीं कहीं डार्क लाइंस कहीं कहीं ब्राइट लाइंस दिखाई पड़ती अरे यही काम तो इलेक्ट्रॉन भी किया था ना तो यही सब तो मालूम पड़ा था इलेक्ट्रॉन वेव है ये सब काम किया था तो उसको देखना तो वो क्लियर हो जाएगा एंड डोंट वरी अबाउट दैट वो तुम्हारे फिजिक्स में सिलेबस में है तुम पढ़ोगे उसको अच्छा खासा ठीक है ना अच्छा खासा पढ़ोगे उसको फिजिक्स में तो वहां क्लियर हो जाएगा और उसको देख लेना चलो आगे बढ़ू ठीक है अच्छा हाँ वो लिख लो एक बार जस्ट इन मतलब इसको ऐसे लिख लो according to क्या बोलूं MOT model the probability of finding an electron in H2 molecule is greatest between the two निकली क्लियर है अच्छा ये हम लोग ने किया तो हम लोग ने क्या क्या चीजें कर लिया अपना कौन कौन सी चीज हम लोग अभी तक मालूम पड़ा कि ऑर्बिटल्स बनते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स हैं ठीक है
इक्वल्स नेक्स्ट पॉइंट लिखो द इफेक्टिवनेस. हाँ अब इसको भी याद रखना द रिलेटिव, इसको बस रिलेटिव एनर्जी ऑफ फॉर्म्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज डिटरमिन्ड बाय अ पैरामीटर कॉल्ड ओवरलैप इंटीग्रल. As the overlap increases, as energy is of bonding molecular orbital is, अच्छा यार overlap integral को मैं लिख दे रहा हूं, इसके बारे में मुझसे कोई सवाल ज्यादा मत पूछेगा क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं चमकेगा, चूंकि ये MOT का पिक्चर है तो आधा अधूरा तो छोड़ूंगा नहीं, मैं लिख दे रहा हूं. ऐसे करके ओवरलैप इंटीग्रल निकालते हैं, ना इस पे सवाल आएगा बस. लेकिन एमओटी पढ़ाना है तो पूरी बातें तो बताऊंगा ना कि एमओटी बोलता क्या है. तो आपको बस इतना लाइन लेना है कि जितना अच्छा ओवरलैप उतना उसका एनर्जी क्या, उतना वो स्टेबल. क्लियर है? और ये ओवरलैप इंटीग्रल से निकालते हैं. और इसमें ध्यान, इसका ये सिंबल देखे भी हो, ये सिंबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रेशन भी कितना, तीन तीन, तीन तीन, अभी तुम एक करते हो, ये तीन तीन इंटीग्रेशन है. तो ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, आराम से इसको प्रणाम करके आगे बढ़ना है. ठीक है भाई, तो कुछ होता होगा के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आएगा ना? ना 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 ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं. चूंकि मैं जब बताऊंगा तो पूरा पिक्चर, मतलब ये बताऊंगा ना जो एमओटी बोला था. मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैं सिलेबस के हिसाब से तो बाद में बता दूंगा ना सिलेबस में ये नहीं है, बट एक्चुअली में तो मेरा काम है साइंटिफिक पूरा पढ़ाना ना, जो पेपर में आया है, जो पूरा का पूरा लिखता है, न्यूमेरिकल्स एकदम नहीं आएंगे. तो आप बस इसको समझ लीजिए, आपको बस इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इससे निकाला जाता है ओवरलैप इंटीग्रल, और जितना अच्छा ओवरलैप उतना अच्छा स्टेबल. अच्छा तो कौन कौन बोलो, एस्ट्रिक सिंबल दैट इज कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको. बेसिक आइडिया दे दे, बॉन्डिंग करता है ना, रिप्रेजेंट. और ये तुम करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्जुगेट. मुझे बोलने का मतलब, मुझे, मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना कि मतलब जो पिक्चर आता है यार वो बताऊंगा ना. अच्छा अब इधर ध्यान दो, वो ऐसे ही बहुत टफ है, और जाने स्टार्ट कर देंगे तो भाषण लंबा पड़ जाएगा. अच्छा इधर देखो, तो क्या क्या चीजें होंगी, अब हम लोग समराइज करते हैं. इसमें क्या क्या मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही बनेंगे. बनने के दो तरीके हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव हुआ ज्यादा स्टेबल होगा, डिस्ट्रक्टिव हुआ अनस्टेबल होगा. कंस्ट्रक्टिव वाले को क्या नाम देंगे, बॉन्डिंग. डिस्ट्रक्टिव वाले को क्या नाम देंगे, एंटी बॉन्डिंग. कंस्ट्रक्टिव बनेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, इंक्रीज. और डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज. दोनों के बीच में डिक्रीज. जितना अच्छा ओवरलैप है उतना अच्छा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स होल्ड्स ट्रू. फिलिंग, जितने ऑर्बिटल्स बने हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वैसा ही है जैसा कि ऑफ बॉय प्रिंसिपल. वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी देता है एटम में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बस देता है प्रोबेबिलिटी मॉलिक्यूल में. तो बेसिकली बॉन्डिंग में भी वही बताया, वो बस प्रोबेबिलिटी बता रहा है कोई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. क्लियर है? नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट. ठीक है चलो, तो हम लोग अब, हाँ जल्दी देखो, जल्दी देखो. डन सर, थैंक यू. हो गया चलो. अच्छा अब हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम्स और सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं. होमोन्यूक्लियर पहले, होमोन्यूक्लियर का मतलब सर, हाँ बोलो सर, ये एमओटी के अंदर ही है. हाँ अरे एमओटी के अंदर है सर, मैं क्यों भाग जाऊंगा एमओटी छोड़े हुए. ठीक है ना, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स. होमोन्यूक्लियर का मतलब ऐसा टाइप का,
ए टू बी टू सी टू सिंपल वाले, ठीक है। अच्छा इधर देखो सबसे पहले डायटोमिक ना, हाँ डायटोमिक, यस डायटोमिक। अच्छा तो बेसिकली आप देखोगे किताबों में, जैसे मान लो एच टू का एग्जाम्पल, मुझे एच टू बनाना है, तो अकॉर्डिंग टू यहां पर क्या होगा बताओ, दिस इज एक एच एटम होगा किस ऑर्बिटल में, 1s ऑर्बिटल में, 1s में। यहां पर भी क्या होगा, एक एच एटम होगा, मान लो दोनों बॉन्ड बनाने आ रहे हैं, और दोनों का क्या होगा, मान लो ये कुछ एनर्जी है, दोनों इनिशियली कौन से एनर्जी पर हैं, सेम, हाँ तो होता क्या है, आप ऐसे दिखाओगे कि जब दोनों कंबाइन हुआ तो एक बना बॉन्डिंग, इसको ऐसे दिखाते हैं, और एक बना एंटी बॉन्डिंग। अच्छा बताओ बॉन्डिंग कौन सा रहेगा सर, नीचे वाला सर, नीचे, हाँ नीचे वाला को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वाई बिकॉज इसकी एनर्जी क्या हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, हाँ इसको क्या बोलेंगे, एंटीबॉन्डिंग, एंटीबॉन्डिंग, दिस इज द न्यू पिक्चर, ये ऐसे दिखाता है, इनिशियली दे वर ऑन द सेम लेवल, ठीक है। अब ऐसे अगर देखा जाए, इसमें कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए हैं, 1s और 1s, 1s और 1s ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बनाएंगे कि पाई बनाएंगे, सिग्मा, तो इसीलिए इसका नाम होता है कि दो ऑर्बिटल्स बने, हम लोग का थियरी यही बोलता है ना कि दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव एक, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1s, ठीक है। और इस वाले को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार 1s, समझा, नहीं सर एक बार वापस समझाओ, हाँ अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दो एच एटम्स आ रहे हैं, ठीक है, दोनों जब मॉलिक्यूल बना, अब हम लोग उस पे हट गए, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एस एस ओवरलैप ये सब हटा दो, सब हटा दो, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता है कि दोनों एच एटम आ रहे हैं ओवरलैप करने, कंस्ट्रक्टिव में भी कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव में भी कर सकते हैं, तो दो ऑर्बिटल्स एच का 1s कंबाइंस विद एच का 1s, जो ब्लैक वाला पिक्चर है, जो ब्लैक वाला आइसोलेटेड वाला पिक्चर, ठीक है ना। अच्छा अब ये क्या बोलता है कि जब ये लोग कंबाइन कर रहे हैं तो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, दोनों ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, बॉन्डिंग, और एक का नाम क्या होगा, एंटीबॉन्डिंग, एंटीबॉन्डिंग, तो यही ऐसे दिखाते हैं इसको, नीचे वाला एनर्जी, तो दो ऑर्बिटल्स बने एक की, अरे एनर्जी तो कंजर्वड होगा ना, तो जितना से ऊपर गया उतना से नीचे गया, ठीक है, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है बॉन्डिंग, तो ये हम लोग का बनता है। अच्छा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आइसोलेटेड स्टेट, आइसोलेटेड मतलब जब बोलो आइसोलेटेड एटम स्टेट, ये भी कौन सा स्टेट है, आइसोलेटेड एटम स्टेट। अच्छा बताओ कितने आएंगे, फाइनली क्या बोलता है कि अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलता है कि अब सब इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करो, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट करो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल, सबसे पहले किसको भरेंगे, बॉन्डिंग को भरेंगे कि एंटीबॉन्डिंग को भरेंगे, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, और एक ऑर्बिटल में मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसमें भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, दो, तो बेसिकली क्या होगा बताओ, अगर मुझे पिक्चर दिखाना हो तो मैं ये दोनों को इधर भर दूंगा, ये मेरा कौन सा पिक्चर है, सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, हाँ बीएमओ में ज्यादा एंटी बॉन्डिंग खाली है, ये मेरा कौन सा पिक्चर है, दिस इज माई पिक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल, क्लियर है, एक अपना स्पिन चेंज कर देगा ना ताकि बॉन्डिंग बने, एक बार चेंज नहीं करेगा ताकि बॉन्डिंग ना बने, एंटी ना बने, ये क्लियर है। अच्छा हाँ बोलो सर, जो आपने येलो कलर का जो स्ट्रेट लाइन बनाया है हाइड्रोजन वाले में एटम्स के बीच में, तो दो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है सर, जो वो येलो लाइन है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग वाला, दोनों के बीच का
जो गैप रहेगा वो कम रहेगा ना, मतलब मैं इसकी बात कर रहा है क्या? हाँ सर, सेम रहेगा ना, एक से ऊपर एक नीचे, दोनों सिमेट्रिक रहेगा। हाँ, जितना एक ऊपर गया उतना एक नीचे गया। एनर्जी तो दो एनर्जी है ना सर, इसको रेफरेंस हम एबीएमओ जो है उसका एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा तो ऊपर वाला डिस्टेंस ज्यादा रहेगा ना। अरे एनर्जी ज्यादा है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। एनर्जी 10 जूल इसका है, 10 जूल तो 20 जूल मिला होगा ना, एक 10 ऊपर गया होगा एक 10 नीचे गया होगा, ठीक है, सेम रहता है। ठीक है सर, समझिए। अच्छा इधर ध्यान दो, इसका ये तो हो गया H2 मॉलिक्यूल का पिक्चर। इसमें एक टर्म आता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, अच्छा एंटीबॉन्डिंग को किसमें दिखाते हैं? एंटीबॉन्डिंग को स्टार से और नॉर्मल को ऐसे छोड़ देते हैं। यहां पर एक टर्म आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। बताओ H2 का MOT पिक्चर से कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? आ जाएगा 1 आ जाएगा। और वैलेंस बॉन्ड पिक्चर भी क्या बोलता है? 1 ही बोलता है ना, वो भी 1 ही बोलता है। तो ऐसे निकालेंगे, ये पहले क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अच्छा नोट कर लो इसको। सर अगेन एस्ट्रिक मीन द सेम थिंग राइट? आगे क्या, किसमें सेम थिंग मतलब? एस्ट्रिक, एस्ट्रिक मतलब एंटी बॉन्डिंग, दैट इज अ डिनोशन फॉर एंटी बॉन्डिंग। ओके सर, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। और जनरली मैक्सिमम के मैच ही कर जाते हैं, तो कंफ्यूज मत करो, मैक्सिमम के मैच ही कर जाते हैं तुमको विविट। अब जैसे मान लो तुमसे आया निकालो किसका HCN में बॉन्ड ऑर्डर, तो यार तुमको और कोई ऑप्शन ही कहाँ है, तुम कर क्या सकते हो? सिलेबस में एटोमोलिक्स रहे नहीं, तुम VBT से निकालोगे और ऑप्शन क्या है तुम्हारा? और 3 आता भी है तो कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सर। ठीक है, हाँ बोलो सर। जो हाइड्रोजन एटम को ज्वाइन करते हुए जो येलो लाइन है वहां पे एनर्जी 0 है या कुछ फिक्स्ड वैल्यू होती है? कुछ फिक्स्ड वैल्यू, 0 मानो या कुछ मानो, वो तो एनर्जी एब्सोल्यूट तो दुनिया में किसी का नहीं निकाला जा सकता, कुछ तो होगा, नहीं मालूम क्या है, लेकिन इतना पक्का है कि वही एनर्जी दोनों का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। चलो आगे बढ़ू आप। अच्छा अच्छा एच टू माइनस कैसे बना होगा और एच टू प्लस कैसे बना होगा बताओ? अगर मुझे H2 माइनस को निकालना हो इससे, H2 माइनस मतलब कैसा हुआ होगा बताओ? मतलब ऐसा हो सकता है एक में H कंबाइन किया होगा, H2 होगा और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? H माइनस बॉन्डिंग जाएगा, दो बॉन्डिंग ऐसी कम करना पड़ेगा, बताओ कैसा बनेगा? एक एंटी बॉन्डिंग और ये कौन सा बॉन्डिंग, कैसे बनाएंगे बताओ? सर दो इलेक्ट्रॉन नीचे और एक ऊपर, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और एक एंटी बॉन्डिंग, ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। जैसे अब इसमें ध्यान देना, इसमें मत पूछना सर इसका बॉन्डिंग दिखाइए, तो वीबीटी के हिसाब से नहीं दिखा शो करता है ना। हाँ ये नहीं दिखाता है, मतलब इसको मैं वीबीटी से नहीं दिखा सकता, क्लियर है? टोटली डिफरेंट। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 वेरी गुड।
अच्छा H2 प्लस कैसा बना होगा, सोचो कैसे H2 प्लस अगर बनाना BMO में एक H और एक H प्लस कंबाइन किया होगा, एक H प्लस कंबाइन किया होगा, यही ना वो होगा, और क्या कर सकते हैं। ठीक है यहाँ तक टू है ना, H और H, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं तो H2 प्लस है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल H2 प्लस, सही है ना। हाँ सर एक BMO में आएगा। हाँ एक BMO में, कैसे निकालेंगे बताओ, एक ही इलेक्ट्रॉनिक किसमें जाएगा बताओ, बॉन्डिंग वाले में, बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में जाएगा। मतलब एक चीज बताओ, दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू MOT, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, 1 माइनस 0 बाय 2 0.5 ही आएगा, 0.5 आएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक चीज पहले सुनो, H2 H2 माइनस और H2 प्लस में सबसे स्टेबल कौन, H2, why? बिकॉज उसमें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। H2 माइनस और H2 प्लस में ज्यादा स्टेबल किसको बोलेंगे बताओ, रीजन H2 माइनस में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किस ऑर्बिटल में है, लोअर H2 माइनस में ये इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली किस में ऑक्यूपाई करना पड़ गया, एंटी बॉन्डिंग। तो इसका मतलब मैं तुमसे पूछूं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे स्टेबल H2, उसके बाद H2 plus H2 minus, फाइंड द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताओ, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स, क्लियर है सर, इसका आप एक्सप्लेनेशन लिख दोगे नीचे, ऐसा लिख देता हूँ, H2 minus, there is electron in the anti-bonding molecule. In H2 plus, there is electron in the bonding molecular orbital. बोलो कोई डाउट, एक और करके छोड़ूंगा, पहले बोलो सर। हाँ बोलो, आपने H के बारे में क्या बताया था, वो क्यों स्टेबल है ज्यादा, H2 का तो बॉन्ड ऑर्डर ही वन है, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, सर H2 प्लस और H2 माइनस पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ना, हाँ वो भी अभी आएगा, पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, हो गया, हाँ सर, अच्छा सर 1 मिनट, जल्दी देखो जल्दी देखो, वेट कर लो सर, बोलो हाउ टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ, हाँ बस एक एक बॉन्ड लेंथ, वैसे जो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर याद है ना, जो ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हो गया फिर तो H2 माइनस एंड H2 प्लस में कैसे करेंगे कि उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, हाँ तो जो ज्यादा स्टेबल, इधर लिख लो फॉर सेम बॉन्ड ऑर्डर, लिख लो फॉर सेम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, लिख लो, मोर इज द क्या बोलेंगे, अनस्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, नहीं अनस्टेबिलिटी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कम, दैट इंप्लाइज बॉन्ड लेंथ, क्लियर है,
तो एक और कर लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा। तो आगे बढ़ूं, हाँ सर चलो इसको बस कर लो एच ई टू को। चलो एच ई टू में क्या आधार होगा बताओ, अगर मैं इसको बनाना स्टार्ट करूं, ये एनर्जी है और मैं इसको बनाना स्टार्ट करूं ऐसे, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में दो एंटी, हाँ इसका मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स थे हीलियम के, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स थे, दो एटम्स थे 1s2। अकॉर्डिंग टू एमओटी कैसा पिक्चर बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग। पहले कहाँ जाएंगे दोनों, पहले तो जाएंगे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग। तो इसको हम लोग ऐसे प्लेस कर देंगे। अब मुझे एक चीज बताओ सर, 2s आएगा ना, हाँ सॉरी नहीं, एच ई का कितना है, वन सर, वन है ना, ठीक है वन ही है, सॉरी सॉरी वन ही है ना, ठीक है ना वन का, ठीक चलो ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अब हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है एच ई टू का, जीरो जीरो जीरो। इसका क्या मतलब है, क्या सिस्टम को बॉन्डिंग से कोई फायदा हुआ है क्या? अरे जितना उसने दो, ऐसे समझो दो इलेक्ट्रॉन को उसने फायदा दिया बॉन्डिंग पहुंचा करके, दो इलेक्ट्रॉन को उसने एंटी बॉन्डिंग पहुंचा करके वापस उसको नलिफाई कर दी, तो इसका मतलब वो इतना जो एनर्जी लगाएगा समझ लो बॉन्डिंग उन्डिंग में, उसको क्या कोई फायदा हुआ है क्या? जहां था वहीं आ गया। इसका मतलब इफ बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी जीरो और लेस देन जीरो, व्हाट डज दिस इंप्लाई? That bonding does not take करता है, molecule exist ही नहीं करता है। और ये physically भी समझ सकते हो ना, बहुत ही physical explanation है। पहले से तुमको bonding बनाने का मतलब इतना तो जरूरी है कि भाई कम से कम उसको कुछ फायदा दिखे, net फायदा दिखे। Bond order अगर half है, sorry, bond कितना लिखें? Zero से than equal to zero। हाँ जीरो से कम हो गया तो है मतलब 0.5 फ्रैक्शनल हो गया, ज्यादा बेटर होगा फ्रैक्शनल, तब हम लोग बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करता है, ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ बोलो, बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो से वन के बीच में है तब क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं? यस एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन स्टेबिलिटी में थोड़ा सवाल उठ सकते हैं, बट इतना अनस्टेबल नहीं है कि एग्जिस्ट, उसको यूनिवर्स ने नेचर में उसको बोला नहीं कि तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो, उसको अलाउ किया कि जा तू रह सकता है, लेकिन तेरी स्टेबिलिटी पर तो डाउट है। सो इट शुड बी ड्यू फॉर द सेकंड स्टेटमेंट आल्सो नो बी ओ फ्रैक्शनल अनस्टेबल। हां ठीक है ठीक है मॉलिक्यूल, लेकिन एक्चुअली में फ्रैक्शनल में डिपेंड करता है कि 4/3 थी 2/3 थी, ऐसे आ सकते हैं, ज्यादा आ गया तब तो फिर मॉलिक्यूल तो स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा भी है, ठीक है, जीरो से वन का मतलब बहुत ही कम हो गया, उसीलिए उसको बोल रहा हूँ। सर लेस देन जीरो कैसे होगा, मतलब नहीं हो सकता है, मतलब वही बोल रहा हूँ, अगर तुम कभी ऐसा किए और बॉन्ड ऑर्डर लेस देन जीरो आ गया मतलब नहीं होगा, मतलब ऐसे समझो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्वियस बात है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तुम समझ गया तुम्हारा बात, मेरा भी बात समझो, समझा? तो एच ई टू मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलो पूछो, आज तक कुछ अगर डाउट हो तो बोलो। सर मैंने आपको फोटो सेंड किया। हाँ चलो अब हो गया, इतना बता रहा हूँ, किसी को लीव करना है तो लीव कर सकता है, बताओ कौन सा डाउट है। नॉलेज मॉल कॉन्सेप्ट पे एक पेपर ले सकते हो, कौन सा मॉल कॉन्सेप्ट पे? हाँ ठीक है ठीक है, एक तो मैंने सॉल्यूशन भेज दिया, देखना उसको और एक और भेजता हूँ, ठीक है।
टीडब्ल्यूडी में पी